धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं अपने प्रश्न से इस सदन को आज जनमानस का एक बहुत गंभीर विषय है महंगाई, उसके ऊपर आपका ध्यान अर्जित करना चाहूँगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल किया था कि महंगाई की रोकथाम के लिए आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है, तो उसका जो उत्तर है बड़ा ही गोलमोल सा आया है। तो अध्यक्ष जी, मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि RBI डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बिलो पावर्टी लाइन 30% हमारी आबादी है, और आजकल सरकार की देन है कि ये गाना सखी सैया तो खूब ही सब्जी की, कपड़ों की, जूतों की, ईंधन की, मेडिसिन की, पढ़ाई की, बिजली की, पानी की, हर कुछ महंगा होता चला जा रहा है। आज अगर हम बात करें हमारे जवाब की, तो हमें बताया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि हमने इतने राशन मुफ्त बांटे, हमने इतने सारे राशन कार्ड हैं जिनको बढ़ाया, और साथ ही साथ बहुत सारी आपकी योजनाओं की बातें की। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या क्या मुट्ठी भर राशन बांट करके हम महंगाई पर नियंत्रण पा लेंगे, और साथ ही साथ आप जो ये मुट्ठी भर राशन बांट रहे हैं उससे कुछ विशेष पूंजीपतियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचा रही है सरकार। कृपया मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुफ्त राशन जो बांटे गए हैं, तेल, नमक, आटा इत्यादि, किन कंपनियों से इन्हें खरीदा गया है और किन मूल्यों पर खरीदा गया है। साथ ही साथ आपने कहा कि आपने राशन कार्ड के नंबर्स को बढ़ा दिया है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि नंबर बढ़ाने से पहले और नंबर बढ़ाने के बाद किस तरीके से महंगाई को आपने रोका है, किस तरीके से उस पर नियंत्रण पाया है। आपने बताया कि अधिनियम 2013 के हिसाब से जो भी राशन कार्ड धारक थे उन सभी को आयोडाइज नमक, साबुत चना और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, ये सारी चीज़ों का निःशुल्क वितरण किया गया है, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि ये जो मुफ्त वितरण हुआ है ये किन कंपनियों के द्वारा और किन मूल्यों पे इनको खरीदा गया है। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, एक महिला होने के नाते जब मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ, बहुत सारी बहनें जो विधवा हैं और उन्हें आपके द्वारा 1000 रुपये का जो धनराशि मिलती है, तो मैं आपके द्वारा ये पूछना चाहती हूँ कि आए दिन आपके सिलेंडर के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, तो इन महिलाओं के लिए क्या सरकार मुफ्त गैस सिलेंडर, आपने कनेक्शन तो करवा दिए, क्या मुफ्त आप सिलेंडर उन्हें देने का कष्ट करेंगे, क्योंकि वो 1000 रुपये तो सिर्फ आपके सिलेंडर खरीदने में उनके चले जाते हैं, तो बाकी वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी, और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।